ये बात अच्छी लगती है कि 5 मिनट का इंटरवल होता है और आप लोग 10 मिनट में वापस आ जाते हैं और 15 मिनट में हम प्रोग्राम शुरू कर देते हैं, है ना। सो देवियों सज्जनों, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पॉपुलरली नोन एज LIC, प्रेजेंट्स मैजिकल पंचम, प्रोड्यूस बाय स्वरदा कम्युनिकेशन एंड इवेंट्स, सपोर्टेड बाय आशीष शरार साहब एंड आर स्पॉन्सर्स विल आर्ट कोकोआ मिल्स, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ऑयल, रेस्टाइल सेरेमिक्स लिमिटेड, जय काजल, न्यू इंडिया अश्योरेंस एंड रूप संगम। आपने डाला वो लकी ड्रॉ? अच्छा, सबसे जो उम्मीद से हैं उन्होंने बोला हाँ डाला, सातों की सातों। अच्छा, वो ताली भी बजा रहे लकी ड्रॉ से पहले ही। ऑल राइट, सो जो रवायत है, जो परंपरा है, उसी को हम आगे लेके जाते हैं। एक बहुत ही कमाल की गायिका हैं जिनसे आपका तारुफ हो चुका है, और रवायत यह है कि जब इंटरवल के बाद दोबारा पहली एंट्री होती है तो जोरदार तालियों से अभिनंदन किया जाता है। तो शैलजा सुब्रमण्यन जी, प्लीज आप आइए स्टेज पर।
देखिए ये स्वरदा का 41st शो है, मैजिकल पंचम, सिर्फ मैजिकल पंचम ही कई 41 शोज हम कर चुके हैं. और मैजिकल पंचम ये बुक भी है, जब आप बाहर जाएंगे शो के बाद तो उस किताब को भी आप ज़रूर ले सकते हैं. और एक बड़ा कमाल का यूट्यूब चैनल भी है स्वरदा के नाम से ही. आप यूट्यूब पर जाएंगे तो जितने शोज हम लोग करते हैं, बहुत सारे लाइव परफॉर्मेंसेज होती हैं, और कई बार मन करता है कि अरे यार वो बात दोबारा ज़रा देखें, तो आप वो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और वहाँ पर जाके आप ज़रूर देख सकते हैं. बाकी एक बात और मुझे आपसे कहनी है शैलजा जी, आप गाना गाइए, मैं बाद में कहता हूँ. कोई है यहाँ पर जिसे मेरे सारे जोक्स समझ में आ रहे हैं, और वो मेरे खानदान से नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ. दे दीजिएगा जरा, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है. ये तो सीरियसली बोली थी बात मैंने. ऑल राइट, सो दादा बर्मन ने ट्रेनिंग दी आर डी बर्मन साहब को, लेकिन एक और बहुत बड़ी पर्सनालिटी है जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा एस डी बर्मन साहब के म्यूजिक में भी और पंचम दा को शेप अप करने में भी. कौन हो सकती हैं वो? वेरी क्लोज टू एस डी बर्मन, मन्ना दा. ओके फाइन, ये एक महिला है आशा जी, क्लोज क्लोज क्लोज. लेकिन आशा जी तो बहुत बाद में आई पंचम दा के जीवन में, दादा बर्मन के जीवन में भी, उससे पहले आ गई थी. और लता जी भी बाद में, गीता दत्त भी बाद में. मैं जिस महिला का नाम ढूंढ रहा हूं वो आप बता नहीं पा रहे हैं. थोड़ा हरी मीरा के भजन आप सुनेंगे तो आपको याद आएगा कौन. अरे वाह, कौन बोला? वेरी गुड सर. और मुझे इतनी खुशी है कि पांचवी बार में आप मेरा सवाल समझ गए. राइट, रूप संगम से हैं सर आप? हाँ नहीं नहीं नहीं, अच्छा ठीक है. मीरा बर्मन, मीरा जी का बहुत बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था. इनफैक्ट वो एस डी बर्मन साहब को असिस्ट भी करती थी, और कई बार जो है वो धुन की जो कंपोजिशन होती थी उसमें भी कंट्रीब्यूट करती थी. और मीरा जी के बारे में मैं और भी बातें करना चाहता हूँ, लेकिन आई थिंक अभी ओके वी श्योर. सो वेरी गुड, मीरा बर्मन आपने करेक्ट बोला है. और अब शैलजा जी यहाँ पर हैं, मैं यहाँ पर हूँ, तो अब एक डुएट होगा. आप लोग रेडी हैं? नहीं? नहीं, जो नहीं है वो तो मेरी इज्जत बहुत करते हैं मालूम पड़ गया मुझे. और इस डुएट में हीरो जो है, अक्सर होता था ना पुरानी फिल्मों में हीरो चुपचाप बैठा रहता था और हीरोइन गाती थी, कुछ वैसा ही सीन होने वाला है यहाँ पर. आप गाइएगा, मैं वहाँ चुपचाप बैठा रहता था. Oh,
बहुत खूब शालिजा जी। और एक किस्सा आपको सुनाता हूँ। एक हीरो अपनी वाइफ के साथ बेंगलुरु पहुँचा, उस जमाने में बेंगलोर गया जाता था, और वहाँ पे राजेश खन्ना साहब की एक फिल्म देखी इसने। राजेश खन्ना साहब की फिल्म देखी और कहने लगे, यार काका ने बड़ा अच्छा काम किया है, म्यूज़िक बहुत अच्छा है, लेकिन वो जो डायलॉग राइटर है ना, जो राइटर है वो बहुत उभर के आ रहा है। तो किसने लिखा है ये फिल्म, क्या डायलॉग वायलॉग किसने लिखे हैं? तो पता लगा कि भाई गुलजार साहब ने वो सारे डायलॉग्स वगैरह वो लिखा। ठीक है, तो ये हीरो गया उनके पास और कहने लगा कि बहुत आपसे मुतासर हुआ हूँ मैं, मेरी वाइफ भी हैं, हमने आप वो फिल्म देखी, चाहते कि हम आपके साथ काम करें। और फिर अपनी फिल्म जो है वो गुलजार साहब को देखी, आप इसे डायरेक्ट करें और मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, और उसी फिल्म का ये गाना है। ये हीरो राजेश खन्ना साहब का बड़ा बचपन का दोस्त समझ लीजिए, और शुरुआत इसने करी थी जब इसने डायलॉग पहला बोला था तो ऐसे बोला था, कौन सी थी थीत लाए तुम्हें यहाँ, मेरी छेनी और हतवादी की आवाज़ या मेरे दिल की धड़कन? तो डायरेक्टर साहब ने अपना सर पकड़ लिया था, कहते यार इसका मैं क्या करूँगा, लिस्प करता है यार, ये कैसे होगा। तो काफ़ी मेहनत वेहनत करा के डायलॉग डिलीवरी इसकी ठीक कराई, और फिर ये बहुत बड़ा स्टार बना और ये फिल्म प्रोड्यूस करी जिस फिल्म का गाना मैं आपको सुनाने वाला हूँ। इस गाने में ये हीरो नज़र तो आ रहा है लेकिन गा नहीं रहा है। कॉम्पोजिशन आर डी बर्मन की है फॉर श्योर, गुलजार साहब ने गाना लिखा है ये भी सही है, किशोर दा ने ये गाना गाया है। कौन सा गाना हो सकता है, कौन सा हीरो हो सकता है? एक मिनट, पड़ोसन किसने बोला? सर आपने बोला? आप लोगों की शादी होगी आप लोगों की? पड़ोसन से दूर रहिएगा ज़रा। और मुसाफिर हूँ यारों किसने बोला? अच्छा आपने बोला। आपको वाकई लगता है कि मेरे पास कुछ चेक वेक है, मैं आपको देने वाला हूँ सही जवाब पे? लेट अस सी ये गाना ये करेक्ट है या नहीं है। हाँ गाना आपका, लेकिन और इस सवाल का जवाब सही मायनों में देंगे एक बहुत बड़े बड़े कमाल के गायक हैं, और ख़ास तौर पर गोवा से तशरीफ़ लाए हैं यहाँ पर। मैं इनकी आवाज़ से बड़ा मुतासिर भी हूँ और ये बड़े ज़बरदस्त एंटरटेनर भी हैं। तो बिना किसी विलंब के इन्हें मंच पे आमंत्रित करते हैं, आज की शाम की पहली एंट्री ले रहे हैं सुधाकर शानबाग जी। ज़ोरदार तालियों से अभिनंदन सुधाकर जी का, प्लीज़ आइए सर। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुसाफिर हूँ यारो, घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। घर है ना ठीक
जाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। दिन ने हाथ थाम कर इधर बिठा लिया, रात ने इशारे से उधर बुला लिया, हाथ थाम कर इधर बिठा लिया, रात ने इशारे से उधर बुला लिया, सुबह से शाम से मेरा दोस्ताना मुसाफिर हूँ यारों, न घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारों, न घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। है ना, जितेंद्र साहब की बात हो गई, जीतू जी की बात करी, उनके ऊपर एक गाना, राजेश खन्ना साहब का भी जिक्र आया, काका जी और पंचम दा की दोस्ती, भाई हम तो रिसर्च करते तो हमारे सामने आती है और उनके गानों के जरिए से पता चलता है कि कितना प्रेम रहा होगा। और पंचम दा का हार्ट का ऑपरेशन हुआ, आई थिंक लंडन में हुआ, रोनू दा यू कैन करेक्ट मी, लंडन में उनका बाईपास हुई थी उस वक्त, राइट। और राजेश खन्ना साहब वहाँ पे पहुँचे तो पूछा, और पंचम क्या हुआ, ऑपरेशन ऑपरेशन हुआ, क्या बोला डॉक्टर? तो पंचम दा ने बोला, डॉक्टर ने बोला मेरा दिल बहुत बड़ा है, इतना बड़ा दिल उन्होंने कभी देखा ही नहीं। फिर राजेश खन्ना साहब ने बोला, वो तो मैं जानता हूँ पंचम, तेरा दिल बहुत बड़ा है। और भी बोला कि डॉक्टर साहब मैं इसको बियर पिलाने ले जा सकता हूँ क्या? अभी डॉक्टर भी देख रहे हैं कि दोस्त है, अभी ऑपरेशन होकर आया, अभी करा है। तो ये सेंस ऑफ ह्यूमर, ये उनका हिसाब किताब था। और काका जी उनके इंटरव्यूज़ वगैरह आप सुनोगे ना तो बहुत ऐसे आते हैं जो यूट्यूब पर मिलते हैं, बहुत सीरियसली बात कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ था नहीं उनके जीवन में, वो खासे मजाक भी करते थे। एक बार सुधाकर जी क्या हुआ, शवाना जी और राजेश खन्ना साहब दोनों साथ साथ खड़े हुए थे, एक जर्नलिस्ट आई सामने से और कहा कि काका जी आपके पाँव में चोट कैसे लग गई? तो राजेश खन्ना साहब ने कहा वो मैं कल घुड़सवारी कर रहा था तो वो मैं गिर गया घोड़े से तो मोच आ गई थोड़ी सी। तो शवाना जी कह रही, क्या बात कर रहे हो आप, कल शाम कितने बजे? कल तो आप मेरे साथ थे। कहते नहीं नहीं चुप रहो जरा, चुप रहो, मैं घोड़े पे था। तो जर्नलिस्ट चली गई। अब काका जी शवाना जी को देख रहे हैं, कह रहे हैं क्या ज़रूरत है तुम्हें सच बोलने की? अब मैं उस जर्नलिस्ट को बताऊं कि मैं इतना बड़ा स्टार होकर मेरी खुद की लुंगी में मेरा पाँव फंस गया, मैं गिर गया, मुझे मोच आ गई, क्या मैं बोल सकता हूँ ऐसा? तो इस तरह का मिजाज भी था, ऐसा नहीं था कि सिर्फ बहुत संजीदा मामला चल रहा है। और जब काका जी की बात हो रही है तो एक गाना उनका सुन लेते हैं। ये गाना लिखा है, एक हकीम थे अपने ज़माने के बड़े मशहूर, जो बाद में बहुत बड़े अजीम शायर हुए, बड़े बहुत बड़े गीतकार हुए। मजरू पक्का, मतलब कोई एक आदमी पढ़ा लिखा है यहाँ पर, मजरू सुल्तानपुरी साहब का ये गाना है और राजेश खन्ना साहब हैं। तो गाना कौन सा हो सकता है? गाड़ी में जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, एक ही आदमी पढ़ लिख कर रहा है, बाकी को मैं ट्यूशन देता हूँ। चला जाता हूँ किसी की धुन में,
चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने दिए, मिलन की मस्ती भरी आँखों में, हजारों सपने सुहाने लिए हो, चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने दिए। नजारे हैं तो ऐसे में संभलना कैसा, मेरी कसम तू लहराती डगरिया हो तो फिर क्यों ना चलूं मैं बहका बहका, रे मेरे जीवन में ये शाम आई है, मोहब्बत वाले जमाने दिए हो, चला जाता बहारों में नजारों में नजर डालूं तो ऐसा लागे, मेरी कसम वो नैनों में भरे काजल घूंघट खोले, खड़ी है मेरे आगे रे शर्म से बोझल, झुकी पलकों में जवा रातों के फसाने दिए हो, चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने दिए, मिलन की मस्ती भरी आँखों में, हजारों सपने सुहाने लिए हो, ला 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 While a young nation has been finding its feet, someone has been right there, holding out a hand in support, setting minds free from fear, to break the shackles and cut a new path which others can follow. The Life Insurance Corporation of India. Set up by visionaries, with a mission to spread life insurance amongst one and all, across the length and breadth of the country, made possible by a carefully thought out product range, from coverage of basic security to improvement of incomes to enhance lifestyles, from helping people meet their responsibilities to managing their retirement, from supporting the needy to improving the quality of life of the community as a whole. A mission that is being realized by the efforts of a highly motivated workforce, tirelessly spreading the message of the need for a secure future across the length and breadth of the country. All this is enabled by state-of-the-art technology, which empowers the LIC to respond quickly to queries, offer appropriate solutions, and make it easier and easier for the consumer to interact and transact with the corporation. Today,
LIC's asset under management amount to over 22 lakh 10,000 crore rupees. Settled more than 2 crore 15 lakh claims in the year 2015-2016 for an amount of more than 1 lakh 1,000 crore rupees. Today, LIC services over 29 crore policies. Over and above this, the LIC's offerings have become truly multidimensional, with a wide range of products and services, including housing finance, care homes, financial services, mutual funds, pension funds, credit cards, and also an extension of its own footprint overseas. The Life Insurance Corporation of India pledges its continued support to the changing needs of a vibrant nation, making a brighter future possible for one and all. All right. So, इससे पहले जरा मैं अपनी भूल सुधारूं. मैं एक बार फिर हमारे स्पॉन्सर्स को थैंक यू करना चाहूंगा. LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, विलार्ड, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कोकोआ मिल्स, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ऑयल, न्यू इंडिया अश्योरेंस, रेस्टाइल सेरेमिक्स लिमिटेड, जय काजल, रूप संगम, बैंक ऑफ महाराष्ट्र. एंड कॉन्सेप्ट जो है वो उसी विद्याधर जी का है. ऑर्गेनाइजर हैं शैलेश पेड़े साहब. थैंक यू सो मच शैलेश जी एंड विद्याधर जी. बहुत कमाल का आपने ये मैजिकल पंचम जो है इसका 41st शो है. और साथ ही शुक्रिया अदा करेंगे हम आशीष शेलार साहब का भी. और अभी हमने कमाल का बांसुरी वादन सुना, जिसमें रोनदा आपने फ्यूजन कन्फ्यूजन पूरा दूर कर दिया. यू आर फैंटास्टिक. हाँ, हम उस बैक स्टेज हमने बहुत सारी बातें की. कैन यू प्लीज़ हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर रोनदा. अमेजिंग सर. एंड ऋषिकेश लवली, बहुत बढ़िया ऋषिकेश मजुमदार. मैं ऋषिकेश जी से कह रहा था बैक स्टेज, मैंने कहा कलाकार ऐसे ही होना चाहिए, ये बिल्कुल एकदम शांत खड़े हुए थे, एकदम चुपचाप, कि जैसे मैं यहाँ हूँ ही नहीं. और जब स्टेज पर रहा तो आपने बताया कि मैं कौन हूँ. हाँ, आप यही करते रहें सदैव. और अभी जब बांसुरी वादन की बात चल रही है तो किरण जी की बहुत तारीफ की और बड़ा आशीर्वाद दिया रुणदा आपने. किरण जी, एक गाना हो जाए. हाँ, शरारती नटखट गाना, एकदम नटखट, जिसमें हीरोइन जो है ना वो दावत दे हीरो को. हाँ, कौन सा गाना हो सकता है? मैं तो नहीं आने वाला. राइट, ये गाना किसने लिखा है? मजरू. मजरू मजरू साहब के कोई फैन बैठे मेरे पीछे बड़े तगड़े. गाया किसने? हाँ, लता दीदी ने गाया. बिल्कुल. हीरोइन कौन है? हीरो कौन है? अब आप लोगों की पढ़ाई पूरी हो गई है. थैंक यू सो मच. ओवर टू किरण जी. अरे तालियां बजानी होती ना, पूरे दिल से बजाया करो, मुझे अच्छा लगता थोड़ा. Thank you.
अद्भुत अद्वितीय। पिछले दो ढाई साल बड़े कठिनाई से गुजरे, लॉकडाउन आया, बहुत सारी चीज़ें हुई और हम लोग बहुत अनसर्टेन थे ना कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नज़र नहीं आ रहा था, क्या करेंगे, बड़े हताश बड़े मायूस। और मैं जब किरण जी को देखता हूँ, जब किरण जी जिस तरह से बांसुरी वादन करते हैं तो मुझे लगता है इससे बड़ी प्रेरणा क्या होगी। इन्होंने तो अपने जीवन के अंधकार को अपनी प्रेरणा बनाकर, उस लड़खड़ाने को अपनी प्रेरणा बनाकर हमें सिखा दिया कि कैसे देखा जा सकता है। वाह। और एक और छोटी सी बात बताता हूँ, जो गाना अभी आपने प्ले किया, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, ये वो गाना है, इसे प्रपोजल सॉन्ग बोला जाता है। पता क्यों? नहीं, कोई लड़की यकीन नहीं करती है, लेकिन फिर भी ये किशोर दा ने लीना जी के लिए गाया था टेलीफोन पे, तब जाकर उन्होंने गाया था। हाँ ठीक है, तब बात बनी थी। तो हाँ हाँ बिल्कुल, किसी की शादी हुई है तालियां बजनी चाहिए भाई। और किरण जी मैं आपको एक बात बताऊं, जितने लोग जोर से तालियां बजा रहे हैं ना, ये सबके सब शादीशुदा हैं। इनके चेहरे देखो, इतना मुस्कुरा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कौन सा गम है जो छिपा रहे हैं। जो इतना जोर से हंस रहा है वो उतना ही, और जिसने हाँ बोला उसका पति बेचारा। ऑलराइट, सो हम इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में डूबे हुए हैं, उसी दरिया में हम गोते लगा रहे हैं। तो इसी सिलसिले में एक और कड़ी जोड़ते हैं, और वन ऑफ द सीनियर मोस्ट म्यूजिशियंस दैट वी हैव अमंगस्ट अस राइट नाउ, श्यामराज जी, जोरदार तालियों से अभिनंदन श्यामराज जी का। कितने गाने जो आपने सुने हैं ओरिजिनली श्यामराज जी ने उसमें प्ले किया है उस ट्रैक में। और राज रणधीर कपूर साहब का एक गाना हमें सुना दीजिए प्लीज़। फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम चल रहा है रेडियो पर, और आनंद बख्शी साहब का लिखा है गाना, पंचमदा का कॉम्पोजिशन है, डब्बू जी पे फिल्माया गया है, और जया जी भी आई थिंक इसके अंदर। कौन सा गाना हो सकता है? आपकी आवाज़ सुन के समझ गया था कितनी दीवानी है जवानी।
लकी ड्रॉ का टाइम आ गया है, देखते हैं कौन जीतने वाला है। और यहाँ पे किस किस ने मेरा मजाक उड़ाया था उसकी चिट मैंने पहले ही बाहर निकाल दी है। नहीं नहीं ऐसा नहीं किया है। सो लकी ड्रॉ का टाइम आ गया, तो मैं लकी ड्रॉ हम लेकर आए स्टेज पर, ले आइए ले आइए। वाह, ही इज द मैन, जोरदार तालियां इनके लिए, क्योंकि इनकी किस्मत में किसी के भाग्य की चिट रखी हुई है। मैं स्टेज पर पहले बुला लेता हूँ जो लोग पैठानी साड़ी रूप संगम की देने वाले हैं। मुश्ताक दो मिनट में फटाफट साड़ी देके उनको कहेंगे भाई। मुश्ताक नारियल वाला जी प्लीज आप स्टेज पर आ सकते हैं। मुश्ताक जी, अमिताभ चक्रवर्ती साहब, ये लेडीज इतना क्यों छेड़ रही हैं हमें यार। किरण पाटकर साहब, डॉक्टर सोनल चौहान, डॉक्टर सोनल चौहान, मिस्टर वैशाली, नहीं नहीं वैशाल, वैशाली बाबू जी प्लीज, और प्रदीप मिस्त्री जी और विवेन राठौर साहब प्लीज आप लोग आइए। अब आपके हाथों हम किसी को पैठानी साड़ी दिलाने वाले हैं। तैयार हैं आप लोग? प्रार्थनाएं शुरू। अरे क्या हो गया, क्या हो गया भाई, मैं लकी ड्रॉ कर रहा हूँ, वेट वेट वेट। ओके, निकालने वाला मैं हूं, और हंसो मेरे ऊपर। ओके निकालूं सर? अगर आपका नाम निकला तो आप मुझे गिफ्ट कर देना, मेरी एक सगी बीवी है मैं उसको दे दूंगा। ओके थोड़ा सा अच्छे से थोड़ी ताली वाली दो, थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक म्यूजिक होना चाहिए यार। ओके पढ़ूं? इनका मोबाइल नंबर नहीं पढ़ सकता हूं, इनका सीट नंबर जो है वो है J18। मंजुषा जी, मंजुषा जी आइए, हैं आप स्टेज पर? अरे वाह मंजू जैसे का रिएक्शन जो है ना एकदम वो मिस वर्ल्ड वाला था।
ओह माय गुडनेस, मैं तो यहां आई भी नहीं थी, मुझे कैसे मिल गया? हाँ उनको क्यों निकालने देंगे? अच्छा अच्छा आप लोग निकालेंगे, ठीक है। हाँ देखो मंजूषा जी, J18 पे कौन है? J18 एक साड़ी के दो हिस्से कर देंगे यार, शॉल बना के उड़ेंगे उसे हम। J18 में आप हैं? अरे वाह, सुलह हो गई आपकी। सर प्लीज, रूप संगम की तरफ से ये पैठानी साड़ी। हा 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 हा, थैंक यू। अच्छा आइए, कौन निकालेगा आप? दीजिए किसी के आगे, नाम बोलूँ मैं? अमिताभ चक्रवर्ती जी, साड़ी खोलो होल्ड करने के लिए। आइए मंजूषा जी, आप हमारी ब्रांड एंडोसर हैं अभी, प्लीज़ ज़रा ठीक से। सर प्लीज़ आइए ना, ये रूप संगम। इतना इंटरेस्ट तो मंजूषा जी को नहीं है जितना हमारे फोटोग्राफर साहब को साड़ी में। वाह थैंक यू सो मच। अब मैंने तो निकाल दिया, अब सर अमिताभ चक्रवर्ती साहब सबके सामने है, पीछे से नहीं, ऐसे नहीं, नहीं सामने 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 सामने। हाँ नो वैसा वाला, हाँ एकदम ईमानदार आदमी हूँ। ईमानदारी पे कोई हंसता है क्या? सर मैं बोलता हूँ यार, ये सीट नंबर है W9। सीताराम गुप्ता जी, अरे सर वाह, मिसेस गुप्ता कितनी खुश होंगी। आइए आइए आ जाइए, आराम से आइए, तब तक मैं दूसरा लॉट निकालता हूँ। एक और उनको आने में थोड़ा समय लगेगा। हाँ ओके, किरण पाटकर जी आइए। सर किसी की किस्मत आपके हाथों में है। और इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, ये गुप्त हैं। सीट नंबर लिखा है U10। कहाँ है सर? अच्छा ये ऊपर वालों की किस्मत बड़ी ऊपर है यार। आइए आइए आप भी आइए, तब तक एक और डॉक्टर सोनल जवान जी। सोनल जवान जी कहाँ हैं प्लीज? बड़े आराम से, अच्छे से हाँ, दोनों हाथों से ऐसे नहीं है। डॉक्टर्स को तो और मेहनत करनी होती है, इतनी पढ़ाई करते हैं, इनको और मेहनत करनी चाहिए। बस कौन है ये भाग्यशाली? इन्होंने काले अक्षरों में नाम लिखा है F23। किशोर शिर्के जी। जैसे जैसे उम्मीद खत्म होती जा रही, आइए सर आइए, जैसे जैसे उम्मीद खत्म होती जा रही है ना कि हमारा नंबर नहीं आ रहा, तालियां भी कम होती जा रही हैं। तो ओके एक मैं निकाल चुका हूँ, चार हो गई हैं, तीन और है ना। ओके आइए आइए किशोर जी आइए। वैशाली बाबू जी आप, हाँ आप रुकिए, गुप्ता जी रुकिए, इतनी क्या बेताबी आपको? वैशाली बाबू जी, मुझे बताया वैशाली जी, मुझे नाना पाटेकर साहब का वो डायलॉग याद आता है अब तक 56 में, वो कहता है मैं और वैशाली हीरो बोलता है, तो नाना पाटेकर साहब बोलते हैं अरे तुम नॉर्थ इंडियन, इट्स वैशाली राइट। आपने एग्जैक्टली वैसे ही बोला है, हाँ बस आपने ऐसे नहीं करा। ओके वैशाली जी आए, आ गया बाहर, आ गया। अरे ओके नेम सुश भाई साहब, आप आ जाओ, ले जाओ यार, आ जाओ आप अभी ले जाओ यार। सुशांत वाह, ये बैल्कनी वाले, अरे आना पड़ेगा नीचे साड़ी लेने के लिए, ऐसे हाथ हिला के थोड़ा मैं यहाँ से फेंकूंगा। मतलब एक्सपेक्टेशंस कितनी ज्यादा हैं कि भाई साहब होम डिलीवरी करा देना यार, मैं नहीं आ रहा हूँ नीचे। प्रदीप मिश्री साहब आइए। अरे साड़ी जीते बोलो ना, T19 दिलीप, नीचे वाले सोच रहे हो आपकी वो बैल्कनी टिकट कटवाएंगे नेक्स्ट टाइम से। दिलीप साहब T19, अगर आप यहां पर हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं किसी और से। दिलीप साहब नहीं है, दिलीप साहब आप हैं यहां पर? T19 T4 टेरिफिक, इफ यू आर नॉट हेयर इट्स टेरिबल। फिर एक और निकालना पड़ेगा, अभी वो है नहीं तो किसी को साड़ी तो देंगे ना।
आपका नाम आ गया इसमें? नहीं नहीं, अच्छा अच्छा H24 मुश्ताक, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, आप ही है ना? ये है ना कॉलेज? आपने बोला कैसे कि आपका नाम आ गया तो क्या होगा? आपको मालूम कैसे था, कैसे पता चला? कुछ तो सेटिंग है। नहीं आप नहीं, नाम आया तो देना पड़ेगा। सॉरी 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 सॉरी, तो जी एक बार दोबारा, एक और एक और, एक और। कितने दानवीर लोग हैं यहाँ पे। ओके D12 जयंत एच, वाह, आइए जयंत जी आइए। काश हमारा नाम भी जयंत होता यार। ओके आर वी थ्रू देन? एक साड़ी और है। सो विवेन राठौर जी, वीरेन राठौर जी सर, अच्छे से घुमा फिरा के, अब ये फाइनल साड़ी है, गॉट बी वेरी वेरी। और चलो ठीक है, बोलो किसका नाम होना चाहिए? हैं यार, नाम इनका है रमेश गोला। रमेश जी कहां पर हैं आप? अरे आइए आइए, आज ऊपर वालों निकल पड़ी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सर नाउ कैन वी प्लीज, सबको हम साड़ी दे सकते हैं? हाँ हाँ, एक समूह फोटोग्राफ भी हो जाएगा। अरे इतनी नाराज होगी मैडम आप, वो जा रही हैं साड़ी नहीं, मैं जा रही हूँ यहाँ से। दे दीजिए सर, अमिताभ सर प्लीज, सबका एक ग्रुप फोटोग्राफ हो जाएगा ना, सबको दे दीजिए। आइए मैम, डॉक्टर सोनल प्लीज आइए ना, सबका अच्छा एक कलेक्टिव रूप संगम फोटोग्राफ हो जाएगा। ये बाकी की चिट सब में बांट दीजिए वापस। आइए सर, सर प्लीज सामने देखिए सामने। सर कितने लोगों को बुलाया हमने? सात लोगों को बुलाया ना, 1 2 3 4 5 6, एक ले गए ना, एक साड़ी ले गए, एक और है हमारे पास, नहीं छह ही तो है यहाँ पर, एक आ रहे हैं सर, वो टाइम लगेगा उनको आने में, कोई नहीं फोटो खिंचा लेते हैं बिकॉज हमें गाने सुनाने हैं उसके बाद। ऑल राइट, थैंक यू सो मच ऑल द विनर्स, थैंक यू ऑल द डिग्निटरीज। मुश्ताक साहब एक बार बताइए, आपको कैसे मालूम था कि आपका नंबर आएगा यार? सच्ची बताइए आप, तो कम हमारा ऐसा नहीं हो सकता ऐसा ना, यू नो ही केम अप ऑन स्टेज एंड सेड अगर मेरा नंबर आ गया तो। बात वैसे हुई थी कि आप मुझे देंगे, मेरी एक सगी बीवी है। ऑल राइट, सो गाने की तरफ बढ़ें। ये गाना बहुत कमाल का है, क्लासिकल बेस गाना है और बहुत कमाल की गायिका है, बहुत टफ गाना भी है और वो इसको परफॉर्म करती हैं बड़ी सरलता से, क्योंकि बहुत सहजता से, जैसे रोनू दा ने कहा था कि अगर समझ सोच के प्ले कर रहे हो तो कॉन्शियस होकर प्ले करो, भूल के राइट, तो वही होना है यहाँ पर इस गाने के लिए, हर गाने के लिए वो जरूरी है। तो देवी और सजना, बिना किसी विलंब के जोरदार तालियों से अभिनंदन अपूर्वा पेंडारकर जी का। अपूर्वा जी प्लीज आइए अब स्टेज पर। फूलों की चादर, चंदों की झालर बुनी,
खूब अपूर्वा जी, फैंटास्टिक, थैंक यू सर, कांग्रेचुलेशंस। और साथ ही निषाद करलगीकर साहब, जोरदार तालियां, क्या कमाल गाया भी एंड तबले पर। सचिन सावंत साहब तबले पर, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। और तबले की वजह से हमें पंचमदा जैसा महान संगीतकार मिला। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, इससे पहले हम अगले गाने की तरफ जाएं, हुआ क्या कि दादा बर्मन ने कहा कि पंचम ताल मजबूत होनी चाहिए, तबला ज़रूर सीखना है। ठीक है जी, सीखेंगे, छोटे थे पंचमदा तब, और गुरुदेव लगाए गए, मास्टर जी वो आएंगे तबला सिखाएंगे। तो तबले से बड़े वो, उनको लगता बहुत बोरिंग इंस्ट्रूमेंट है पंचमदा को, छोटे थे, बहुत उम्र बहुत कम थी। तो गुरुजी आए घर पे, पंचमदा कहीं और साइकिल चला रहे हैं, आए नहीं, गुरुजी वेट करके चले गए। उन्होंने कहा अच्छा भला डली खाऊंगा तबला मैं, कौन तबला वबला सीखेगा ये वो। एक दिन रेडियो पर सोलो तबला वादन सुना पंचमदा ने, उनके होश उड़ गए, कहते इतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। ये गए गुरुदेव के घर, पाँव हाथ पाँव जोड़े, कहते प्लीज़ मुझे सिखाइए, मुझसे गलती हो गई। और फिर तो क्या ताल पकड़ी है, क्या सुर पकड़ा कि आज तक हम झूम रहे हैं उस पर। अब ये गाना जो है, अपूर्वा जी आप हमें सुना दीजिए, आई थिंक लता जी का गाया हुआ ये गाना है। लिखा किसने है? मैं गाने के बाद पूछता हूँ।
बहुत खूब बबुल भाजी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। देखिए, मैजिकल पंचम की जो यात्रा है काफ़ी सुखद और काफ़ी गहरी, काफ़ी इसमें कई साथियों ने साथ दिया, जिसमें हिमांशु मणियार साहब, उन्होंने काफ़ी अच्छा साथ दिया। अफसोस की बात यह है कि ड्यूरिंग कोविड वी लॉस्ट हिम, और आई थिंक हिमांशु जी की फैमिली यहाँ पर बैठी है, और वो मुझे हमेशा हिमांशु जी कहा करते थे, गौरव थोड़ा धीरे बोला कर, थोड़ा धीरे बोला कर। मैं कोशिश कर रहा हूँ, हाँ, सुधार आया है मुझ में। सो हिमांशु जी के लिए जोरदार तालियां, बिकॉज ही जेन्युइनली कंट्रीब्यूटेड टू अस टू दिस जर्नी ऑफ मैजिकल पंचम। और भरत अशर जी, भरत भाई, कैन वी सी यू हियर? भरत भाई, आर यू हियर? भरत भाई के लिए जोरदार तालियां। आई थिंक हम में से जो भी यहाँ पर मौजूद है, सबसे गहरे ताल्लुक एक जर्नी पूरी विटनेस की है वो भरत भाई ने की है। भरत भाई, कैन यू प्लीज हैव यू ऑन स्टेज फॉर अ मोमेंट प्लीज सर। हाँ, यहीं से बोलोगे आप? हाँ, 1942 लव स्टोरी, दादा चले गए थे, उसके बाद क्या हुआ वो बताएं आप हमें। हाँ, ही वोंट मेंशन दैट, बहुत शाय हैं, और बैक स्टेज कई हमारे बातें हुई। उसके बाद जो मिक्सिंग हुई, भरत भाई ही डिड दैट फॉर द एंटायर ट्रैक, बैकग्राउंड एंड सॉन्ग्स। और अभी एक करते हैं, कॉम्पिटिशन करें आपके और मेरे बीच में, हाँ, देखते हैं कौन ज़्यादा एंजॉय करता है।
हाँ हाँ सर, आप अभी वैसे टाइम ना वन मोर का है, लेकिन वंस मोर भी करते हैं, एक आपकी बात भी हो जाएगी मेरी बात भी रह जाएगी। ये किस फिल्म से गाना था? राइट, सो लेट्स डू वन थिंग, हम किसी से कम नहीं का एक और गाना ले लेते हैं, आपकी बात भी होगी मेरी बात भी होगी, राइट। मजरू साहब का लिखा हुआ गाना है, रफी साहब ने गाया है, सुषमा श्रेष्ठा जी भी हैं इसमें, और पंचमदा का म्यूजिक है ऑफ कोर्स। कौन सा गाना हो सकता है? मेरा वादा ना पूरा करता हूँ, रुको करता हूँ, अभी कभी पूरा करता हूँ। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बुलाते हैं स्टेज पर, आज की शाम की पहली एंट्री ले रहे हैं, बेताबी से इंतजार कर रहे थे कि मैं कब स्टेज पर पहुंचूं, वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर्स दैट वी हैव, आशीष श्रीवास्तव जी। आशीष जी आइए मंच पर। अरे तालियां, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, दिल
जिस दिन तुम्हें वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा वो कसम। ऐसे कैसे जाने देंगे आपको, इतना इंतजार करवाया आपने हमें। एक गाना और, दो गाने और, कमबख्त इनका पेट ही नहीं भरता यार। हाँ एक बोला दो और, ऑल राइट। हाँ एक गाना और आशीष जी। हम आप दोस्त है, राइट राइट राइट। वैसे भी आज तीन तीन आशीष जी स्टेज पर आए, आशीष चौहान साहब, आशीष शेलार साहब और आशीष श्रीवास्तव साहब। वाह व्हाट आर आशीष डे, आज के दिन को हम आशीष दिवस के नाम से जानेंगे। हाँ बजाओ ठीक से, बजाओ तालियां बजा रहे हो तो अच्छे से बजा दो। ऑलराइट सो लेट मी अगेन थैंक लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पॉपुलरली नोन एज LIC एंड हर स्पॉन्सर्स विलार्ड, कोकोआ मिल्स, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ऑयल, न्यू इंडिया अश्योरेंस, जय काजल, रेस्टाइल सेरेमिक्स लिमिटेड, रूप संगम, विद्याधर जी। सी विद्याधर जी का कॉन्सेप्ट है, ऑर्गेनाइज बाय शैलेश पेटे साहब। स्वरदा का यूट्यूब चैनल आप वो भी जरूर सब्सक्राइब करें। और अभी एक ऐसा गाना आपकी तरफ आ रहा है जो रफ़ी साहब ने गाया, इफ आई एम राइट, ये संजय खान पे पूछ रही है। हाँ दो उसमें गाया है। ओके तो हम लोग कन्फ्यूजन है यहाँ पर थोड़ा सा। ओके ये भी जीप में गा रहे हैं ना, जीप में हैं कुछ ऐसा है, मतलब कुछ बड़ा बहुत अच्छा सीनिक ब्यूटी है सामने, उसको लेके वो गाना गा रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम कहीं नहीं जा सकते, जहाँ जाओगे मुझे ही पाओगे वाला हिसाब किताब है। कौन सा गाना हो सकता है, रियली कन्फ्यूज। क्या अभिलाषा है आपकी, ये वादियाँ मेरा दामन बोल रहे हैं, गाना कोई और है पर अभी इन्होंने जो बोला आप वही गा दीजिएगा, ठीक है। हाँ फरमाइशी गानों का कार्यक्रम है प्लीज। हाँ आशीष जी okay. वो पहले वाला कैंसिल कर देना। हाँ वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ। जब चुराओ के तन तुम किसी बात से, जब चुराओ के तन तुम किसी बात से, शाखे गुल छेड़ देंगे मेरे हाथ से, अपने जुल्फ को और उलझाओगे। वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादियाँ मेरा दामन, जब से मिलने लगे तुमसे राहे मेरी, जब से मिलने लगे तुमसे राहे मेरी,
से मेरी बाहें जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे वादियाँ मेरा रामन रास्ते मेरी बाहें जाओ थैंक यू आजी जी बहुत बढ़िया बहुत खूब साथ ही हम हमारे तमाम म्यूजिशियंस का शुक्रिया अदा करते हैं जोरदार तालियों से भाई अभिनंदन अनुपम घटक जी आनंद सहस्पति साहब आशी हमारे म्यूजिक कंडक्टर्स बोथ ऑफ देम आनंद जी मैंने आनंद जी आपसे तो शुरुआत ही करी थी आपकी बात मैंने ज़रा उड़ा ली आज मैंने पहले बोल दिया खरी बात है बोलना चाहिए हमारे टिटू भाई साउंड पे कैमरा और अजी उठकर अब कहाँ जाइएगा जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा राइट अरे मैं बोल चुका हूँ पहले वादिया मेरा दामन भी बोल चुके हैं सो कैन यू प्लीज हैव शैलजा जी ऑन स्टेज मैं नहीं मारता दमम छोड़ दिया हाँ कोई देख मत लेना बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए ओवर टू शैलजा जी आई थिंक दम मारो दम नहीं लेते यार कोई और गाना लेते हैं शैलजा जी कोई और गाना लीजिएगा प्लीज पिया तू Monica.